गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड फर्स्ट ईयर में हम अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत हम फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमने सीखने के उपागमों का अध्ययन प्रारंभ किया था। उसी के अंतर्गत हमने व्यवहारवाद का अर्थ क्या है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। व्यवहारवाद में जो है उद्दीपन और अनुक्रिया पर बल दिया गया है कि जैसा उद्दीपन होता है वैसे ही अनुक्रिया होती है। तात्पर्य यह है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कहेंगे कि जिज्ञासा, जैसी हमारी जिज्ञासा होती है वैसा ही हमारा कार्य करने की तत्परता होती है। तो इसके लिए उन्होंने प्रयोग किया था और इसका जो थॉर्नडाइक ने इस पर प्रयोग इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया और प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि उद्दीपन और अनुक्रिया में पर्याप्त संबंध है और सीखने का इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने एक भूखी बिल्ली ली और उसको पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद करने के बाद में बाहर एक मछली का टुकड़ा प्लेट में रख दिया। क्योंकि बिल्ली एक मांसाहारी प्राणी है तो भूख मिटाने के लिए उसने उसको प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु वह उस पिंजरे को खोल नहीं सक पा रही थी। भूख की तीव्रता, भूख की उत्तेजना उसको इतना सता रही थी, इतना उद्वेलित कर रही थी कि कैसे ही येन केन प्रकरण में बाहर निकलकर उस मछली के टुकड़े को प्राप्त करके अपनी भूख को शांत कर लूँ। तो इसके लिए उसने क्या किया कि कभी इधर कभी उधर वो पिंजरे में घूमती रही। अचानक उसका पैर उस कुंडे पर पड़ गया जिससे वो खुल सकता है और पैर उसका उस चटकनी पे पड़ा, उस कुंडे पे पड़ा तो वह दरवाज़ा खुल गया और वो बाहर निकल कर उसने अपनी भूख को शांत करने मछली को खा लिया। यही प्रक्रिया फिर दोबारा रिपीट की गई तो तब भी वो भूखी थी और बाहर मछली का टुकड़ा रखा गया था। अब इस बार उसको जो है उस काम को करने में उतना समय नहीं लगा जितना उसको पहली बार में लगा था कुंडा खोलने में। अब उसको ये ज्ञात हो गया था कि कैसे जो है मुझे ये कुंडा खोलना है, इसको खोल के मैं बाहर निकल सकती हूँ। तो वो अब उसके प्रयास में जो है लग गई और धीरे धीरे वो जो है कुंडा खोलने में सफल हो गई और अपना भोजन उसने प्राप्त किया। तीसरी बार भी वही प्रक्रिया अपनाई तो अब वह उसको खोलना सीख गई थी, तो तुरंत वह जाके उसको खोला। इससे यह सिद्ध होता है कि एक तो पहला ये होता है कि उत्तेजना कितनी गहरी है, जिज्ञासा कितनी प्रबल है, भूख जितनी प्रबल थी प्राप्त करने की कोशिश भी उतना ही, प्रतिक्रिया उद्दीपन और प्रतिक्रिया दो होते हैं इसमें, उद्दीपन प्लस प्रतिक्रिया दोनों में जो है गहरा संबंध होता है। उद्दीपन क्या था, भूख, प्रतिक्रिया क्या हुई, उसको प्राप्त करने की कोशिश, प्राप्त करने की कोशिश, ठीक है, उसके लिए वो निरंतर प्रयास करते रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, वह उसको प्राप्त करने में सफल हो गई। तो थॉर्नडाइक के जो उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के लिए उसने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग से तीन चीज निकल कर सामने आई, ठीक है। वह तीन चीज क्या है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नियम, जब उसने प्रयोग थॉर्नडाइक ने उद्दीपन
क्रिया सिद्धांत को के द्वारा अधिगम होता है। इसके लिए जो उन्होंने प्रयोग किया, उस प्रयोग से तीन जो नियम निकल के बाहर आए, वह नियम ये हैं। उन नियमों को दो भागों में विभाजित किया है, ठीक है। पहला था प्रमुख और दूसरा गौण। प्रमुख नियम, दूसरा है गौण नियम। दो नियम निकले। तो प्रमुख नियम में जो नियम है उसमें तीन नियम बाहर निकल के आए। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। अब देखिए, भूखी बिल्ली पर जो उन्होंने प्रयोग किया था, उस प्रयोग के माध्यम से ये सिद्ध हुआ, उससे तीन प्रमुख नियम निकल के आए कि उद्दीपन अनुक्रिया एसआर थ्योरी के माध्यम से तीन नियम निकल के आए। पहला यह है कि तत्परता यह है कि उसको भूख होने के कारण से, वो भूखी होने के कारण से वो उस मछली के टुकड़े को, उस मछली को प्राप्त करके अपनी भूख को शांत करना चाहती थी। इसके लिए वो निरंतर प्रयास करती रही, निरंतर कोशिश करती रही। तो पहला नियम निकला कि तत्परता कब होगी, जब हमारी उत्तेजना प्रबल होगी, जिज्ञासा प्रबल होगी, तभी हम उसको करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा हम उसको प्रयास नहीं करेंगे। तो यहाँ जिज्ञासा उत्तेजना क्या थी, भूख थी, पहला नियम ये। दूसरा है अभ्यास। अब उसको प्राप्त करने के लिए उसने निरंतर कोशिश करी, बार बार कोशिश की, इधर उधर, आखिरकार उसको वो सफलता हासिल हो गई और वो कुंडा उसको खोलना आ गया। कुंडे से बाहर निकलकर बार बार, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास की जन्मती होत सुदान। तो बार बार कार्य करने से, बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे हमारे कार्य में पारंगतता आती है, सफलता हासिल होती है और हम उस काम को जल्दी तत्परता से करने का प्रयास करते हैं। इसलिए एक बार कार्य नहीं हो रहा, दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए, चौथी बार कीजिए, कार्य के अंदर निखार हमारा दिखता चला जाएगा और जल्दी जो समय हमारा प्रथम टाइम लग रहा था उससे आधा चौथाई समय में हम उस कार्य को करने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको सीख रहे हैं। दूसरा है, तीसरा है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव क्या हुआ कि अभ्यास करने के बाद प्रभाव क्या हुआ कि कार्य में निखार आया, कार्य में हमको जल्दी सफलता हासिल हुई, जल्दी तुरंत हम जो है कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गौण नियम में जो है, पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है मानसिक विन्यास का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है आत्मीकरण का नियम। तो ये चार नियम इससे निकल के आए। बहु प्रतिक्रिया इसके लिए बिल्ली ने बहुत सारी क्रियाएं करी, कोशिश करने की। जब हम बहुत सारी क्रियाएं करेंगे तो हमारा हर क्रिया के प्रति अधिगम होता चला जाएगा। यदि हम क्रिया ही नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, तो हमारे सीखने की प्रतिक्रिया खत्म हो जाएगी, जड़ हो जाएंगे, हमारा जीवन एक निर्जीव प्राणी के समान हो जाएगा। अधिगम के लिए प्रतिक्रिया का होना अनिवार्य है।
दूसरा है मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास मतलब मस्तिष्क के अंदर एक उद्वेलन, उद्वेलन जब तक नहीं होगा मस्तिष्क में, जब तक किसी काम को के लिए मंथन नहीं होगा, उसको सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अधिगम नहीं कर सकते। आंशिक क्रिया कि उसके लिए हम थोड़ा बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, आंशिक मतलब थोड़ा, और आत्मीकरण उससे हमने कुछ सीखा है, सबक लिया है कि हम किस प्रकार से इस पिंजरे से बाहर, बिल्ली कैसे सीख गई थी कि पिंजरा खोल के, कुंडा खोल के बाहर निकलना, तो बार बार प्रयास करने से वो उसको सीख गई थी और उसमें एक आत्मीकरण हो गया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस एनालिसिस हो गया था कि हम किस प्रकार से किसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करने में सफलता हमको कैसे हासिल हो सकती है। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके, थैंक यू।